यूजी चहल ने मारा बीसीसीआई को ताना। मोहम्मद शमी की आड़ में यूजी चहल ने मारा बीसीसीआई पर ताना। क्या मारा है ताना यूजी चहल ने बीसीसीआई पर? किस बात की हम बात कर रहे हैं, किस चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के खूबसूरत से मैदान में ये मुकाबला खेला गया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी गजब की देखने को मिली, जहाँ डैरल मिचेल और रचिन ने गजब की बल्लेबाजी करी। रचिन अपना शतक कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन डैरल मिचेल शतक तक पहुंच गए और 150 से पहले आउट हो गए, जिनका विकेट मोहम्मद शमी ने लिया। मोहम्मद शमी ने ना केवल ये वाला विकेट लिया, बल्कि इस मैच में मोहम्मद शमी ने गजब ढा दिया। 5 विकेट हॉल उन्होंने लिए, 5 विकेट्स उन्होंने लिए। और मजे की बात यह है कि भाई दूसरे ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में 5 विकेट हॉल दिए हैं, और इंडिया की तरफ से तो पहले गेंदबाज है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम करके दिखाया है मोहम्मद शमी ने। साथ ही साथ हर कोई इनकी चर्चा कर रहा है, क्योंकि इनका ये पहला मैच है वर्ल्ड कप 2023 में। मोहम्मद शमी को ये पहला ही मैच मिला और पहले ही मैच में इन्होंने गजब कर दिया, 5 विकेट हॉल ले लिए। ऐसा कौन करता है, मतलब इतनी पिटाई कौन करता है। 10 ओवर इन्होंने करवाए, 54 रन इन्होंने लुटा दिए, साथ ही साथ 5 विकेट हॉल भी लिया, और 5 की इकोनॉमी से, ज़बरदस्त इकोनॉमी से इन्होंने गेंदबाजी करी है। खैर अब आ जाते हैं यूजी चहल पर। तो यूजी चहल ने ट्विटर पर एक ट्वीट करा है मोहम्मद शमी के लिए। उन्होंने कहा है कि आपने गजब की गेंदबाजी करी और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ। अब लोग इसको चुन रहे हैं बीसीसीआई से, कि बीसीसीआई पे ताना मार रहे हैं यूजी चहल की। देखिए, आपने शमी को मैदान पे घुसने के, मतलब घुसने नहीं दिया, आपने शमी को बैठा कर रखा था, और शमी को जब मैदान मिला, शमी को जब उनका किंगडम मिला, तो वो राज कर रहे हैं वहाँ पर, 5 विकेट हॉल ले गए। तो लोग ये कह रहे हैं कि यूजी चहल खुद के लिए भी ये चीज़ कह रहे थे कि आपने मुझे मौके नहीं दिए, बट अब अगर आप मुझे मौका देंगे तो डेफिनेटली मैं आपके लिए काम करके दूंगा, मैं गेंदबाजी ऐसी करूंगा या विकेट्स में ऐसे निकालूंगा। तो ये कुछ यूजी चहल ने कहा, जिस पर लोग बीसीसीआई पर निशाना साध रहे कि यूजी ने ये बीसीसीआई को टॉकिंग लंदन सीन, टोक्यो वाला सीन नहीं होता जो, वो वाला करके दिखाया। तो अब आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको भी लग रहा है कि यूजी चहल ने ये ही किया है, मतलब बीसीसीआई को ताना मारा है, या फिर नॉर्मल कॉन्ग्रेचुलेट किया है मोहम्मद शमी को। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए।